हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इस कव्वाली को नहीं सुना होगा। काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। एक समय था जब पूरा जमाना इस कव्वाली का दीवाना था। आज भी इस कव्वाली को लेकर लोगों की दीवानगी कम नहीं हुई है और YouTube और सोशल मीडिया पर आप इस कव्वाली के ढेरों रिमिक्स देख सुन सकते हैं। नजर में शौखिया और बचपना शरारत में अदाएं देख के हम फंस गए मोहब्बत में। आज तक ये कव्वाली हिंदी फिल्मों की सिरमौर कव्वालियों में गिनी जाती है। फिल्म अल हिलाल की इस कव्वाली को इस्माइल आजाद कव्वाल ने गाया था और शेवन रिजवी ने लिखा था। इन्हें न तीर न तलवार की जरूरत है, शिकार करने को काफी निगाहें उल्फत है। इस कव्वाली का सारा जादू शेवन रिजवी की सार्थक कविता में छुपा है, जिसमें शायर ने दिलफेक आशिकों के दिल की तमाम बातें बयां कर डाली और कहीं भी कोई डबल मीनिंग वाला शब्द नहीं आने दिया। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाएं, यही इरादा है ये कह के हम। पर्दे पर इसे सफेद अरबी चुगा पहने हुए कॉमेडियन शेख ने गाया था और उनके साथ अन्य कव्वाल भी नृत्य कर रहे थे। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। चारों तरफ धूम मचाने वाली इस कव्वाली की लोकप्रियता का लाभ केवल इस कव्वाली को गाने वाले इस्माइल आजाद कव्वाल को मिला। इस कव्वाली के बाद उनके नाम की धूम मच गई, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि इस कव्वाली का संगीत किसने दिया तो संगीत के अच्छे से अच्छे जानकार भी चुप लगा जाएंगे। कम ही लोगों को पता होगा कि इस सिरमौर कव्वाली का संगीत दिया था बुलोसी रानी ने, जिनका पूरा नाम था बुलो चंडीराम रमानी। बुलोसी रानी ने अनेक फिल्मों में बेहतरीन संगीत दिया था, लेकिन उनको न तो वो मुकाम मिला और न ही वो सम्मान जिसके वो हकदार थे। पैसों की तंगी से जूझते हुए अंतिम दिनों में वो जीवन से बेजार हो चुके थे और आखिरकार अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। हम अपनी जान से जाएंगे जिनकी उल्फत में, यकीन है कि ना आएंगे वो ही मैयत में। इस वीडियो में मैं उसी होनहार लेकिन बदनसीब संगीतकार के बारे में बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1958 में अल हिलाल नामक फिल्म सिनेमाघरों में लगी और देखते ही देखते इस फिल्म की कव्वाली ने लोगों पर जादू कर दिया। इस कव्वाली ने पूरी युवा पीढ़ी को दीवाना बना दिया, लेकिन इस कव्वाली की लोकप्रियता का कोई लाभ न तो शायर शेवन रिजवी को मिला और न ही संगीतकार बुलोसी रानी को, बल्कि सारा क्रेडिट इस्माइल आजाद कव्वाल के खाते में जमा हुआ और इसकी बदौलत उनकी शोहरत को चार चांद लग गए। खुदा सवाल करेगा अगर कयामत में तो हम भी कह देंगे हम लुट गए। इस कव्वाली की सफलता और लोकप्रियता में किस हद तक इस्माइल आजाद कव्वाल की तानों का कमाल था और ये किस सीमा तक बुलोसी रानी की कला पर निर्भर थी, ये बात एक अलग चर्चा का विषय हो सकती है। परंतु इसे लिखने वाले और इसका संगीत देने वाले को हिंदी फिल्मों की इस सिरमौर कव्वाली की सफलता से कोई लाभ नहीं हुआ। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने। इस कव्वाली की लोकप्रियता के बाद बुलोसी रानी ने अपनी कई फिल्मों में सफलता के इस राम बाण नुस्खे को फिर आजमाया। इस्माइल आजाद की ही आवाज में फिल्म पेड्रो में जवानी बड़ी चीज है हुस्न वालों और फिल्म रूम नंबर 17 में हुस्न की शान गई और सबको मालूम है मैं शराबी हूँ फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूँ जैसी कव्वालियाँ पेश की गईं, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद फिल्म अल हिलाल की कव्वाली जैसी बात दोबारा पैदा न की जा सकी। जवानी बड़ी चीज है हुस्न वालों, ये दिन है किसी को भी अपना बना लो। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या। इस कव्वाली की नकल कर फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और कवि भरत व्यास ने मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में एक डुएट ऊंची एड़ी वालों ने, कटे कटे बालों ने, दिल मेरा खींच लिया टेढ़ी तिरछी चालों ने बनाया था।
एड़ी एड़ी वालों ने कट्टे कट्टे बालों ने, जिस पर फिल्म में कॉमेडियन शेख और नृत्यांगना हेलन ने बड़ा जोरदार नृत्य किया था। मगर इस गीत का मुकाबला बुलोसी रानी की कव्वाली से करना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। दिल मेरा खींच लिया टेढ़ी तिरछी चालों ने, हाय टेढ़ी। आपको बता दूं कि बुलोसी रानी हिंदी फिल्मों के आरंभिक दौर के संगीतकारों में से थे। रणजीत मूवी टोन के सौजन्य से जिन कलाकारों को उभर कर ऊपर आने का अवसर मिला, उनमें बुलोसी रानी का विशेष महत्व है। आरंभ में उन्होंने कुछ समय संगीतकार खेमचंद प्रकाश और ज्ञान दत्त के सहायक के रूप में काम किया था। उनकी उत्कृष्ट रचनाएं अपने कृपालु चंदुलाल शाह की कंपनी रणजीत मूवी टोन के लिए होती थी। रणजीत मूवी टोन की असफलता और फिर विघटन का उनके संगीत पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1943 से 1972 तक लगभग 77 फिल्मों में संगीत दिया, परंतु उन्हें अपनी रचनात्मकता और परिश्रम का उचित फल कभी नहीं मिल पाया। बुलोसी रानी हैदराबाद में 6 मई 1920 में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम बुलो चंडीराम रमानी था। बुलोसी रानी के पिता चंडी रमानी भी एक साहिबे कमाल संगीतकार थे और इसी कारण बाल्यावस्था से ही बुलोसी रानी का झुकाव संगीत की ओर हो गया। सिंधी होने के कारण उन्हें बचपन से ही सूफी शाह लतीफ के उपदेशों और सूफियाना कलाम से दिली लगाव था। फिल्मों में संगीतकार बनने का शौक नवयुवक बुलोसी रानी को लाहौर के महान संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर की चौखट तक खींच कर ले गया। चालीस और 50 के दशक में उन्होंने मूर्ति, प्यार की बातें, शिकार, राजपुतानी और अंजुमन जैसी कई बड़ी फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म जोग, वफा और बिलवा मंगल उनकी उत्कृष्ट फिल्में थीं। फिल्म नकली शान उनकी अंतिम फिल्म साबित हुई। अपनी कला कौशल की असली प्रशंसा उन्हें निर्माता केदार शर्मा की फिल्म जोगन में नसीब हुई, जिसमें दिलीप कुमार और नरगिस मुख्य भूमिकाओं में थे। पूरी फिल्म की शूटिंग केवल 29 दिनों में पूरी कर ली गई थी। ये फिल्म उनकी रचनाओं में एक मील के पत्थर की हैसियत रखती है। इसमें बुलोसी रानी के बनाए भजन, गीत और संगीत दिलीप कुमार और नरगिस के अभिनय से अधिक पुरकशिश और ताकतवर थे। इस फिल्म में उन्होंने अपने संगीत में गीता दत्त की आवाज का बड़े हुनरमंद तरीके से उपयोग किया है और उनकी कला ने श्रोताओं के हृदय पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने मीराबाई के भजनों पर आधारित 15 गीत रचे थे, जिन्हें निर्देशक केदार शर्मा ने बड़े सुंदर ढंग से फिल्म की कहानी में समो दिया था। मीराबाई के भजनों जैसे मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जोगी मत जा पांव पड़ू मैं तेरे, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई में, उनका कौशल अपने शिखर पर था। फिल्म के दूसरे गीतों डगमग डगमग डोले नैया, काहे नैनो में नैना डाल रे और तलत महमूद की भावुक आवाज में सुंदरता के सभी शिकारी कोई नहीं है पुजारी में अपार आकर्षण था। गीता दत्त के गाये राग तिलक कामोद पर आधारित होली के गीत डारो रे रंग डारो रसिया में उन्होंने जल तरंग और अन्य साजों की आवाजों के सम्मिश्रण से ऐसा कमाल कर दिखाया कि सुनने वाले झूम उठे। इसी प्रकार राग थाट बिलावल पर आधारित गीत हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई में एक तारे के साज का इस उस्तादी के साथ प्रयोग किया गया कि श्रोता वाह वाह कर उठे। इस फिल्म के गीतों को मीराबाई, पंडित इंदिरा, पंडित बूटाराम शर्मा, हिम्मत राय शर्मा और खुद केदार शर्मा ने लिखा था। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मत जा मत जा मत जा जोगी, लेकिन बेहतरीन कव्वाली और बेहतरीन गीतों को संगीत देने के बावजूद उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। घर की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण वो स्टेज शो करते रहते थे और कुछ समय विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा भी देते रहे। अंतिम दिनों में वो सिंधी फिल्मों में संगीत भी देने लगे थे। उन्होंने गैर फिल्मी गजलों के चंद एल्बम भी रिकॉर्ड कराए, जिनमें उस्ताद शायरों के कुछ कलाम संगीत से सजा सवार कर पेश किए गए थे। संगीत में श्रोताओं के बदलते हुए रुझान के अनुसार तेज रफ्तार रिदम के संगीत ने सुस्त रफ्तार मेलोडी वाली मौसिकी को बदल डाला।
समय बीतने के साथ फिल्म जगत में नौशाद, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, सी रामचंद्र और ओपी नैयर जैसे नए नए गुणवान कलाकार और सुरीले संगीतकारों ने आकर अपनी कला के जादू से फिल्म संगीत में धूम मचा दी और श्रोता उनके लुभावने संगीत के प्रभाव से झूमने लगे। इन लोगों के कौशल के कारण बुलोस ईरानी जैसे संगीतकारों को काम मिलना कम होता गया और धीरे धीरे वो और उनके समकालीन संगीतकार बेकारी का शिकार होने लगे। ये भी सच था कि उनके संगीत में पहले जैसी मिठास बाकी न रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने मोर्चे पर डटे रहे और 60 के दशक के मध्य तक फिल्मों में संगीत देते रहे। फिल्म सुनहरे कदम के बाद उनका करियर समाप्त हो गया क्योंकि तब तक उनका संगीत व्यवसायिक क्षमता से खाली हो चुका था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनकी उत्कृष्ट रचनाएं बीते समय के मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं। अच्छे दिनों की यादगार के तौर पर बुलोस ईरानी का मुंबई के शिवाजी पार्क में आलिशान बंगला था, जिसे उनके घर वालों ने आर्थिक आवश्यकताओं के चलते बेच दिया और पूरा परिवार वर्सोवा में एक छोटे फ्लैट में जाकर रहने लगा था। अपने गौरवान्वित घर के हाथ से निकल जाने के कारण वो हर समय दुखी रहने लगे थे और उम्र के अंतिम दिनों में काम की कमी के चलते भी वो जीवन से बेजार हो चुके थे। 23 जुलाई 1993 की शाम वो एक बोतल में मिट्टी का तेल लेकर अपने वर्सोवा के फ्लैट की सीढ़ियों पर गए। बोतल का तरल पदार्थ सिर पर उल्टा और माचिस की तिली दिखा दी। कोई पड़ोसी मामले की तह तक पहुंच पाता या उनकी मदद के लिए दौड़ता, उससे पहले ही वो दूसरी दुनिया में जा चुके थे। आत्महत्या के समय उनकी आयु 73 वर्ष थी। अखबारों में उनकी मृत्यु के समाचार को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया और सांस्कृतिक चर्चा के कॉलमों में सरसरी तौर पर उनके बारे में बस एक छोटी सी खबर छाप दी गई। इस तरह से एक होनहार संगीतकार गुमनामी में इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में नई जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के